नमस्कार, आप हैं साहित्य तक पर, देख रहे हैं बुक कैफे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और किताबें मिली कार्यक्रम के तहत मैं आज उन पुस्तकों की चर्चा करूंगा जो हमें इस सप्ताह प्राप्त हुई। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इन पुस्तकों को हमें उपलब्ध कराया है। शुरुआत करता हूं बबुआ एक संघर्ष कथा, यह पुस्तक रामदेव शुक्ल ने लिखी है। सुरेश कांटक की एक पुस्तक घुंघरू के बोल, यह हमें मिली है। माँ के अनमोल रत्न, यह है एक अनुवाद पुस्तक है, डॉक्टर जीन एस खौर ने इस पुस्तक को लिखा है, यह पुस्तक प्राप्त हुई है। अब और नहीं, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा की पुस्तक है। कश्मीर दर्पण एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिसको मूल रूप से प्रोफेसर वेद कुमार घई की यह पुस्तक है, इसका अनुवाद प्रोफेसर अर्चना केसर ने किया है। एक और पुस्तक डॉक्टर संजय मिश्र की एक तरफा, यह प्राप्त हुई है हमें। जनता की अदालत में यह एक पुस्तक मिली है हमें, तैयब हुसैन की यह पुस्तक है। यह विभिन्न शिल्प और स्वाद में एकांकियां, यह पुस्तक है। एक पुस्तक है क्रांति दूत, यह भाग एक डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव की पुस्तक है, इसी का दूसरा भाग है। एक झांसी फाइल्स के रूप में है, दूसरा भाग काशी के रूप में मिला है। अंतहीन रास्ते, यह भी एक पुस्तक वरुण प्रभात की प्राप्त हुई है। बंजर में बहार, विकास सोलंकी की पुस्तक है, बंजर में बहार। राम प्रसाद दुबे राम की एक पुस्तक आहुति हमें प्राप्त हुई है। मोहन पांडे की एक पुस्तक है मेघ सुलोचनीयम प्राप्त हुई है। ये कविता संग्रह हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये कुछ पन्ने तुम्हारे नाम के, तरुण यदुवंशी की पुस्तक है। राकेश पाठक की पुस्तक कोलाहल में बुद्ध, यह भी हमें प्राप्त हुई है। यह 15 पुस्तकें सर्वभाषा ट्रस्ट ने हमें उपलब्ध कराई है, जिनके बारे में आने वाले समय में आप बुक कैफे में जानेंगे कि इन पुस्तकों में क्या है। काव्य संकलन है तो उनके अंदर क्या है, कैसी कविताएँ लिखी गई हैं, किस तरह की पुस्तकें आ रही हैं, इनके बारे में हमारा यह कार्यक्रम न भूलें। किताबें मिली कार्यक्रम में हर सप्ताह हम केवल आपको यह सूचना देते हैं कि किस प्रकाशक ने किन लेखकों की कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। बुक कैफे देखना न भूलें। हर दिन एक दिन एक किताब में हम चर्चा करते हैं कि कौन सी पुस्तक किस रूप में कैसी लगी मुझे और उसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो शुक्रवार को मैं उनके बारे में बताता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। आपको यहाँ पुस्तक संस्कृति के बारे में, नई किताबों के बारे में उम्दा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।